नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे चंदन राम दास जिला अस्पताल बागेश्वर के आईसीयू में भर्ती थे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूर्व दादी के उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे चंदन राम दास। साथ ही आपको बता दें कि चंदन राम दास जिला अस्पताल बागेश्वर के आईसीयू में भर्ती थे, वहीं उनका इलाज चल रहा था, जिसके चलते वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे चंदन राम दास जिला अस्पताल बागेश्वर के आईसीयू में भर्ती थे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें आपको उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे मंत्री चंदन राम दास, बागेश्वर के जिला अस्पताल में चंदन राम दास भर्ती थे, जहां उनका निधन हो गया है। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लंबे समय से बीमार चल रहे थे चंदन राम दास। साथ ही आपको बता दें कि चंदन राम दास जिला अस्पताल बागेश्वर के आईसीयू में भर्ती थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। और ये बड़ी जानकारी, जहां उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें लंबे समय से बीमार चल रहे थे चंदन राम दास का इलाज बागेश्वर के आईसीयू में चल रहा था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंशुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुमान, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री का निधन हो गया है, पूरी जानकारी दीजिए। जी, मैं निश्चित तौर पर दुखद है, उत्तराखंड के लिए दुखद खबर है। परिवहन मंत्री, क्योंकि धामी मंत्री मिले थे प्रधानमंत्री से चंदन राम दास, और लंबे समय से तबियत उनकी खराब करने की, स्वास्थ्य खराब था और हाइट की भी प्रॉब्लम थी इनको। कई विधानसभा सत्र के दौरान भी ये देखा गया था कि कई बार वो आने में असमर्थ बैठेंगे, तबियत प्रधानमंत्री बैठा देंगे, उनकी तबियत बहुत खराब चल रही थी। और जिस तरीके से चंदन राम दास को बागेश्वर के जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया, उनकी स्थिति नाजुक हुई, क्योंकि पहले से ही उनकी तबियत खराब रह रही थी और उसके बाद इलाज के दौरान आईसीयू में एडमिट थे और इलाज के दौरान भी उनका निधन हुआ है। ये उत्तराखंड के लिए दुखद खबर है। ये परिवहन मंत्री जो थे और उसका अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दोनों के पास था और बहुत ही सज्जन सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। जिस तरीके से मंत्री रहते हुए उन्होंने अधिकारियों के साथ काम किया, जनता से संवाद किया, अपने आश्वस्त भारत के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया वो काबिल तारीफ था। और क्योंकि तबियत लगातार उनकी खराब रहती थी और स्वास्थ्य के चलते ही कई जगहों पर जाने से बचते थे, क्योंकि लगातार इलाज दिल्ली के लेवल पर चल रहा था, लेकिन अचानक तबियत खराब होने के बाद बागेश्वर उन्हें मौजूद थे और बागेश्वर के जिला अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया। और उसके बाद लगातार इलाज के बाद क्योंकि हालात नाजुक थे और सर उनका निधन हुआ, ये दुखद है। बिल्कुल अंशुमान, उत्तराखंड के लिए बेहद दुखद खराब है खबर है। अगर हम उनके पार्थिव शरीर की बात करें तो अभी उनका पार्थिव शरीर कहाँ रखा गया है, क्या घर पहुंचा दिया गया है? बिल्कुल, अभी नहीं, क्योंकि अभी चंदन राम दास बागेश्वर में ही उनका पार्थिव शरीर है और उसके बाद उनको सर उनके उनका घर है वहां लाया जाएगा, जहाँ उनके परिवारजन है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिवालय से थोड़ी देर पहले निकले हैं और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी अभी बागेश्वर पहुंच सकते हैं और जैसी भी परिस्थिति बनेगी उसके आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन ये दुखद है, चंदन राम दास जो की एक ऐसा नेता जिसने समन्वय स्थापित किया, आम जनता के बीच में जाकर उनसे बातचीत की, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, एक सरल और सज्जन स्वभाव के व्यक्ति जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया और संख्यक ज्ञान उनके पास था, जिस तरीके से उन्होंने उसके लिए काम किया वो काबिल तारीफ था। लेकिन ये खबर दुखद है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य से लेकर लगातार पहली बार भारत मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और ये तीन नाम थे जिसमें सौरभ भौगला थे, चंदन राम दास थे, ये नए मंत्रिमंडल में इस बार जब मंत्रिमंडल बना था उसमें इनको शामिल किया गया था। और क्योंकि तरीके से एक संदेश भी देने का प्रयास चंदन राम दास को बनाकर किया गया प्रधानमंत्री मंडल में, ताकि समाज में हर किसी पर ध्यान रखते थे बीजेपी जिस स्वभाव के व्यक्ति थे उत्तराखंड की राजनीति को भी बड़ी क्षति पहुंची है। ऐसे में नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आती है, तो इसमें किसी की अभी तक प्रतिक्रिया सामने आई? बिल्कुल, सबके लिए दुखी खबर है, वो चाहे आम जनमानस हो या मंत्रिमंडल में शामिल लोग हो या बीजेपी के विधायक हो या कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हो, तो सबके लिए रिपोर्ट है, क्योंकि एक वर्ष में
नेता है और उन्होंने सबके साथ समन्वय स्थापित करते हुए काम किया। उन्होंने विपक्ष को भी उसी तरीके से सुना और अधिकारियों के साथ उसी तरीके से वार्ता की और क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर भी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कल्याण विभाग की बहुत बड़े स्तर पर बैठक की थी और बैठक में उन्होंने जो वाहन स्वामी हो या जिस तरीके से वाहन चलाते हैं लोग सभी लोगों को जो सहयोग है। अंशुमन, मैं आपको रोकना चाहूंगी, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसवानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गरिमा, जिस तरीके से परिवहन मंत्री चंदन राम दास का निधन हुआ, ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति को बहुत बड़ी क्षति है। निश्चित तौर पर क्षति है। चंदन राम दास जी पांचवी बार के ये विधायक बने थे अभी और बार बार अगर जनता किसी को चुनती है तो डेफिनेटली उन्होंने जनता के लिए कोई विकास कार्य किए होंगे, जनता के साथ सीधे उनका कनेक्शन होगा, इस उत्तराखंड देवभूमि के लिए उनका योगदान होगा। तो ऐसे में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर ये आई है और अभी अभी हमें भी पता चला है उनके निधन का, और अपूर्णीय क्षति है उत्तराखंड के लिहाज से, अपूर्णीय क्षति क्योंकि उनका जैसा वृहद अनुभव वाले बहुत ही कम व्यक्ति अब बचे हैं और ऐसे में उत्तराखंड के नाले गार गधेरों की जो जानकारी उनको थी, समाज कल्याण मंत्री के रूप में जो उनके कार्य थे, मुझे लगता है उनको याद किया जाएगा और उन्होंने उत्तराखंड को अपने जीवन काल में लाभान्वित ही करने का काम किया है। उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, उनके परिजनों को इस दारुण दुख को सहने की शक्ति मांगती हूँ। अगर गरिमा जी उनके स्वभाव की बात करें तो उनका स्वभाव कैसा था? बहुत ही सौम्य स्वभाव था, गुस्सा बिल्कुल ना के बराबर था और एक अभिभावक के रूप में वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। क्या पक्ष क्या विपक्ष, कहीं के भी लोग उनके पास जाएं तो वो हमेशा खुले दिल से स्वागत करते थे और कोई भेदभाव कोई पक्षपातपूर्ण रवैया उनके अंदर नहीं था और ऐसी सादगी वाले इंसान बहुत कम मिलते हैं। काबीना मंत्री होते हुए भी बहुत सीधे और सादे इंसान थे। गरिमा जी, आपकी मुलाकात कब हुई थी पहली बार उनसे? जी, आपकी मुलाकात कब हुई थी पहली बार उनसे? क्योंकि राजनीतिक जीवन में सत्ता पक्ष और विपक्ष अक्सर मिलते रहते हैं, चाहे हमें जनता के काम कराने हो उसके लिए भी चंद्रराम दास जी से कई बार मुलाकात होती थी, त्योहारों में शादियों में कई बार मुलाकात होती थी और हमेशा जिस हसमुख स्वभाव के वो धनी थे उसी जिंदा दिली से वो सबसे मिला करते थे और मुझे लगता है कि चंद्रराम दास जैसे हम्बल व्यक्ति बहुत कम पैदा होते हैं और उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ था। मेरे जैसे राजनीति के छात्र के लिए जो एस्पायरिंग पॉलिटिशियन है और राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए वो एक इंस्टीट्यूशन के समान थे कि कितनी भी भीड़ हो कितनी भी व्यस्तता हो चेहरे पे हमेशा मुस्कान और कैसे लोगों का जिंदा दिली से स्वागत करना है, कभी स्ट्रेस उनके चेहरे पे दिखाई नहीं पड़ता था। तो मुझे लगता है कि इस वक्त तो गमगीन है उत्तराखंड और लोग कहीं ना कहीं शॉक की स्थिति में है क्योंकि वो बीमार तो लंबे समय से चल रहे थे लेकिन अचानक से जिस तरह का झटका उन्होंने उत्तराखंड वासियों को दिया है वो अपने आप में बिल्कुल। गरिमा जी, बहुत अच्छा स्वभाव था, बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वभाव था, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुनील जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री का निधन हो गया है, उत्तराखंड की राजनीति को बहुत बड़ी क्षति भी पहुंची है, ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या कुछ राजनीति में बदलाव आएगा और ऐसे में एक उत्तराखंड की जो राजनीति है उसमें क्षति पहुंचना कितना पार्टी के लिए क्षतिपूर्ण रहेगा? देखिए, बिल्कुल क्षति तो है ही उत्तराखंड की सियासत के लिए और जिनका स्वभाव माधुरी इस कदर था कि अभी आप गरिमा दसवानी को सुन रही थी और उन्होंने भी बताया कि पक्ष हो या विपक्ष हो कभी भी वो उस तरह की राजनीति नहीं करते थे और बहुत सौम्य स्वभाव उनका रहता था। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो चंदन रामदास जी के जाने के बाद अब हर कोई उन्हें याद करेगा। हालांकि गंभीर बीमारी से वो लंबे समय से जूझ रहे थे, कई मर्तबा वो काफ़ी वक्त तक अस्पताल में भर्ती रहे, बागेश्वर के जिला अस्पताल के ICU में उन्हें भर्ती कराया गया था। एकाएक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी क्योंकि सभी मंत्री और विधायक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आपको मालूम है चारधाम यात्रा चल रही है तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में
जाकर और चारधाम यात्रा की तैयारियों के साथ साथ बाकी विकास कार्यों की भी समीक्षा करने में लगे हैं। ऐसे में चंद्र रामदास जब अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे बागेश्वर और अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई देर रात, और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जिला अस्पताल बागेश्वर के ICU में, लेकिन इस बार डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए और उनका निधन हो गया। ये एक राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो बहुत बड़ी क्षति है। चंद्र रामदास के करियर की बात की जाए तो 1980 में उन्होंने अपने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की और 1997 में पहली बार वह बागेश्वर के जिला अध्यक्ष बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, और उसके बाद 2006 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2007 का चुनाव हो माधुरी या 2012 का हो, 2017 का हो या 2022 का, हर बार के चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। एक विधायक के तौर पर वो चुनकर आते रहे और फिर 2022 और इससे पहले की सरकार में वो मंत्री चुने गए और इस बार वो परिवहन विभाग का जिम्मा संभाल रहे थे। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि कुछ इस तरह की गंभीर बीमारी से वो जरूर जूझ रहे थे, जिसका समय समय पर वो इलाज कराने के लिए अस्पताल में काफ़ी दिनों के लिए भर्ती भी होते थे। उनके ये राजनीतिक करियर की बात हो या उनके व्यक्तिगत स्वभाव की बात हो, जनता उनके क्षेत्र की उनसे बड़ा प्रेम करती थी और यही वजह थी कि हर बार वह विषम परिस्थितियों में भी अपनी सीट निकाल कर लाते थे। 2006 में भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन जरूर थामा था, उससे पहले वो लगातार अपने आप में अपने ही क्षेत्र में अपनी राजनीति को हमेशा आगे बढ़ाते चले आए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कई मरतबा देखिए, मैंने जब चर्चा करता हूँ शाम 6 बजे की जो हमारे डिबेट कार्यक्रम जाता है बिग बुलेटिन, उसमें मैं हमेशा उत्तराखंड की तमाम बारीकियों को समझने की कोशिश करता हूं। कई बार ऐसा होता है कि जहां लापरवाही को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं तो चंद्र रामदास का जो परिवहन मंत्रालय परिवहन विभाग था उसमें जाहिर तौर पर कई बार इस तरह की खामियां आई, तो कई बार जब लाइन पर जुड़ते थे तो बहुत ही सौम्य तरीके से अपना जवाब वो रखते थे और जाहिर सी बात है। लेकिन एक चीज़ और माधुरी देखने को मिलेगी कि जब भी उनसे कोई भी किसी तरह का ऐसा सवाल अगर पूछ लिया जाता था तो चंद्र रामदास कभी भड़कते नहीं थे, वो कहते थे कि हाँ मेरे संज्ञान में आपके द्वारा आया है सुनील जी, मैं इस मामले को जरूर दिखवाऊंगा और हो सकता है कुछ लापरवाही अधिकारियों की रही हो जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो ये स्वभाव उनका हमेशा रहता था, वो कभी भी सच को स्वीकारने में कभी किसी तरह की कोई आनाकानी नहीं करते थे और बहुत सौम्य स्वभाव और एक राजनेता के तौर पर उनका इस तरह का जो व्यवहार था वो बहुत ज़्यादा मिलनसार था। और यही वजह है कि आज सभी की आंखें नम कर गई चंद्र रामदास, और अभी तो उन्हें बहुत लंबी पारी खेलनी थी लेकिन बीमारी के आगे वो हार गए। और जैसे ही देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है, जाहिर तौर पर ऐसे में उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि परिवहन का जिम्मा वो संभाल रहे थे, लेकिन सभी की आंखों को नम करके चले गए चंद्र रामदास। सभी की आंखें नम हैं और उत्तराखंड की राजनीति खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन विपक्ष के लोग भी अभी उन्हें याद कर रहे हैं। उनके कार्य की बात की जाए या उनके खुद के व्यक्तिगत स्वभाव की बात की जाए, उनकी कार्यशैली की बात की जाए, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो चंद्र रामदास के नाम हैं। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड की सियासत में जो आपने पूछा भी था किस तरह की और परिस्थितियां निर्मित होंगी, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बागेश्वर से एक लंबी राजनीतिक विरासत को चंद्र रामदास संभालते चले आ रहे थे। और यही वजह है कि 2007, 2012, 2017 और 2022 का चुनाव वह जीतते चले आए, जहां उत्तराखंड में कई बार ऐसा देखने को मिला जहां बड़े बड़े जनप्रतिनिधि माधुरी अपनी सीट नहीं बचा पाते थे, वहां बागेश्वर जैसी सीट से वह हर बार चुनाव जीतते चले आए और एक बड़ी छवि जो वहां की जनता के हृदय में उन्होंने अपनी बना के रखी थी, एक सौम्य छवि। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये है माधुरी के क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जब उनसे देहरादून में मिलने भी आ जाता था या फिर किसी अन्य विधानसभा से या ये कहा जाए, हालांकि वो मंत्री थे तो प्रदेश की जनता कोने कोने से उनसे अपने परेशानियों को लेकर या फिर कई सारी चीज़ों को लेकर जरूर मिलने आती थी, लेकिन सभी से मुलाकात का समय भी देते थे, सबसे मिलते भी थे। हमारे जो सहयोगी हैं अंशुमन हैं वहाँ, अशोक हैं, वो भी कई बार चर्चा हम लोगों से करते हैं कि एक मंत्री ऐसा है उत्तराखंड का जो जाहिर तौर पर जिसका स्वभाव बहुत मिलनसार है, जिसकी तारीफ जो है सत्ता दल के लोग तो करते ही हैं लेकिन विपक्ष के लोग भी करते हैं क्योंकि हमेशा वो समय देते हैं और चीज़ों को गंभीरता से सुनते हैं समझते हैं, लेकिन एक अंदर ही अंदर ये जो जिस गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे थे, जो लड़ रहे थे, उसका शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था माधुरी के इतनी ही बहुत ज़्यादा उनका मतलब 1980 से आप लगाइए और आप 2023 में उनका जो पूरा करियर है वो वहाँ तक सीमित रह गया। अभी आगे उन्हें और लंबी पारी खेलनी थी, ये सभी को उम्मीद थी कि बीमारी को हरा देंगे, फिर से वह लोगों के बीच में होंगे, लेकिन इस बार उन बीमारी उन पर हावी हुई और वो अब हम सब लोगों के बीच में नहीं है। हालांकि ये खबर जैसे ही आई तो एक शोक की लहर दौड़ गई। जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, वहीं लखनऊ के चेयरमैन शादाब शम्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
शादाब शमशेर जी, जिस तरीके से एक बड़ी क्षति पहुंची है उत्तराखंड को, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं चंद्र राम दास जी का निधन हुआ है, ऐसे में आप इस बात को कैसे ले रहे हैं? बहुत दुखद घटना है, हम सब लोग बहुत बुरी तरह से आहत हुए हैं। अभी उनके सुपुत्र गौरव से मेरी बात हुई है, भास्कर से बात हुई है, दोनों लोग बच्चे बहुत रो रहे हैं। अचानक की घटना घटी, कल अल्मोड़ा कार्यक्रम में वो मौजूद थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, सुबह तक बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ये खबर आई। सबके लिए बहुत बड़ा आघात है, हम तो ये कहेंगे कि बहुत दुख है, शब्द समाप्त हो गए हैं, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हमने एक बहुत बड़ा दलित नेता खो दिया है, बहुत सरल स्वभाव के थे, लोगों को अपनापन लगता था। अभी चंद रोज पहले उनका जन्म दिवस था, उन्होंने अपना जन्मदिन एक जो बच्चे होते हैं गरीब बच्चे उनके साथ वहां पे मनाया, मैं भी साथ में मौजूद था। यकीन नहीं हो रहा है कि बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अब तो सारी परेशानियों से जूझ के बाहर आ गए थे। बहुत ज्यादा दुखद है, हम बहुत सब लोग बहुत आहत हैं। ईश्वर से तो यही प्रार्थना है कि उनके परिवार को इस दर्द को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, बहुत बहुत गम का माहौल है। शादाब जी, अगर उनके स्वभाव की बात की जाए तो कहा जाता है कि बेहद ही नम्र स्वभाव के थे, पक्ष हो या विपक्ष हो सभी के साथ समन्वय बनाकर चलते थे। मेरे विभागीय मंत्री भी थे, और मैं तो ये कहूंगा कि उनका स्वभाव ऐसा था कि गैर भी अपना हो जाता था उनसे, आता था, कभी किसी को निराश नहीं करते थे, सबका सम्मान करते थे, एक बहुत परिपक्व राजनीतिज्ञ थे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, समाज की लगातार अपने बहुत चिंता करते थे और कार्यकर्ताओं की चिंता करते थे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बड़े विश्वसनीय लोगों में शुमार थे, और बागेश्वर की मैं ये कह सकता हूँ कि लगातार उन्होंने जिस तरह से जीतते जीतते राजनीतिक एक बड़ी लाइन को क्रॉस करते हुए वो यहाँ पर पहुंचे, वो अपने आप में बताता है कि जमीन से जुड़े हुए नेता थे, जमीन से जुड़ के आए थे। खादी का काम खुद अधिकारियों से मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनसे पूछते हुए कि आपको मालूम है कैसे बनता है, मैंने चलाया है चरखा, खुद उनको खादी का कैसे सूत काटते हैं वो हमारे सामने आंखों के सामने सिखाया। एक जो जमीन का व्यक्ति आता है, जमीन से निकल के आता है, उस तरह का नेचर था, सबको साथ लेके चलने का स्वभाव था। मैं कह सकता हूँ कि हम ये जो क्षति है ये कभी इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। मेरे संगठन के लिए, सरकार के लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, शायद इसकी भरपाई हम जीवन में ना कर पाए। बिल्कुल, अगर शादाब जी उनके परिवार की बात की जाए तो उनके परिवार के लिए भी बहुत बड़ा दुख का समय है, उनके परिवार में कौन कौन है? देखिए, उनके दोनों बेटे हैं, बड़े बेटे हैं भास्कर, छोटे गौरव, तो दोनों बेटों से मेरी बात हुई है, पत्नी है, बेटियां हैं, भरा बुरा परिवार है, लेकिन अभी सबके सब बिलबिला रहे हैं, फोन से मेरी बात हुई, सब बागेश्वर में ही हैं, हमें यकीन नहीं हुआ, हम लोगों ने कॉल करके बच्चों से जानकारी ली कि कैसी खबर उठ रही है, कहा ये बिल्कुल सच है, अभी अभी ऐसी हरकत हुई है। सब बहुत दुखद है सबके लिए, अविश्वसनीय है कि अभी हम लोग विश्वास भी नहीं कर पा रहे कि इस तरह की इतना बुरे खबर ये मिली है, सबके लिए बहुत अभी तो यकीन कर पाना भी मुश्किल है। ये बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आगे की व्यवस्थाएं सबकी क्या होती है, क्या कंडीशंस बनती है, तो फिर आपसे वो चीजें आपके सम्मुख आएंगी। ठीक है शादाब जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं सुनील जी हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। सुनील जी, देखिए एक बहुत बड़ी क्षति तो है ही, क्योंकि आपने जैसा बताया कि बहुत ही नम्र स्वभाव के थे, सभी के साथ समन्वय बनाकर चलते थे, लेकिन अभी आगे क्या अपडेट है? क्या उनके पार्थिव शरीर को अभी बागेश्वर में ही रखा जाएगा? सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर जाएंगे? बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि बागेश्वर से आते हैं चंदन रामदास, और बागेश्वर में उनका जो पैतृक आवास है वहाँ उनके पार्थिव को ले जाया जाएगा, पार्थिव शरीर को, और उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, और उसके साथ फिर उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। इस बीच माना जा रहा है, हालांकि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री का ट्वीट आ गया है, उन्होंने लिखा भी है कि मेरे सहयोगी, मेरे कैबिनेट के मंत्री, उनके आकस्मिक निधन की खबर से बहुत ज़्यादा शब्द हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी पावन आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सुनील जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रामदास जी का निधन हो गया है, एक बेहद ही
काबिल नेता थे, एक बड़े ही मंत्री थे और साथ ही उनका जो स्वभाव था वो बेहद नम्र था। ऐसे में सियासत में कितना फर्क पड़ेगा उत्तराखंड की? मथुरा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मथुरा जी, परिवहन मंत्री रामदास जी का निधन हो गया है, ऐसे में बहुत बड़ी क्षति है। उत्तराखंड की सियासत की बात करें तो कितना फर्क पड़ेगा? तो मथुरा जी से हमारा संपर्क टूट गया है और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चंदन रामदास जिला अस्पताल बागेश्वर के आईसीयू में भर्ती थे, जहां उनका निधन हो गया। और ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट भी सामने आ चुका है, जहां उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री चंदन रामदास जी का आकस्मिक निधन के समाचार से मैं दुखी हूं। उनका निधन जनसेवा एवं राजनीति के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है। तो ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। बागेश्वर के जिला अस्पताल में उनका निधन हो गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। चंदन रामदास जी के बारे में कहा जाता है कि बेहद ही नम्र स्वभाव के थे, सभी के साथ समन्वय बनाकर चलते थे, चाहे वो सत्ता पक्ष का कोई हो या फिर विपक्ष का। तो देखिए, आज उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति और बहुत बड़ा दुख का समय है। ऐसे में परिवहन मंत्री, जिस तरीके से उनका निधन हुआ है, उत्तराखंड को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास जी का निधन हो गया है। बागेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती थे, आईसीयू में थे, कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे।